हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लाइफ साइंस। एंड टुडे आई एम कमिंग विद अ न्यू वीडियो रिलेटेड विद द क्वेश्चन पेपर। दिस इज़ अ करेंटली बेस्ड क्वेश्चन पेपर बीएससी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2021। एंड ये जो पेपर है वो जूलॉजी का पेपर है। इस जूलॉजी के पेपर में पेपर 1, 2 एंड 3 तीनों ही सेक्शन एक साथ पूछे गए थे, जिसमें टोटली 100 क्वेश्चंस थे एंड 75 अटेंड करने थे। इस क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आज मैं आपके साथ सेक्शन ए शेयर करूंगी और हर क्वेश्चन के आंसर मैं आपके साथ शेयर भी करते हुए उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। सो इसका जो क्वेश्चन पेपर सीरीज था वो था सी एंड पेपर आईडी थी 309। ये कामप यूनिवर्सिटी का पेपर सैम्पल पेपर है, जूलॉजी पेपर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था फर्स्ट सेक्शन में, क्वेश्चन फर्स्ट था प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। ऑप्शन ए था 1973, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1988। सो जो ऑप्शन था ऑप्शन ए इज करेक्ट था 1973। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन इज कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऑप्शन ए हैबिटेट अल्टरनेशन, ऑप्शन बी हंटिंग एंड ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ मूवमेंट एरिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। सो जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए हैबिटेट अल्टरनेशन। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाइल्ड लाइफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1990। सो जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी 1972। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स। ऑप्शन ए रेड पिगमेंट्स ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी 310 स्पीसीज, ऑप्शन सी डाटा ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 310 स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर फाइव, कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी राजस्थान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इन सीटू कंजर्वेशन। ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इनसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन ऑप्शन बी डी इज कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीसीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इनसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर सेवन इज इन डेंजर स्पीसीज आर। ऑप्शन ए रेयर, ऑप्शन बी 310, ऑप्शन सी मैक्सिमम डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, ऑप्शन डी वल्नरेबल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 310। क्वेश्चन नंबर एट, कंजर्वेशन इज ऑप्शन ए प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर नाइन, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लैक इज ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी वैक्स, ऑप्शन सी रेजिन एंड ऑप्शन डी हनी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंड रेजिन। क्वेश्चन नंबर टेन, रॉक बी एपिस, ऑप्शन ए इज एपिस फ्लोरिया, ऑप्शन बी एपिस इंडिका, ऑप्शन सी एपिस डॉर्सेटा एंड ऑप्शन डी एपिस मेलिफेरा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एपिस डॉर्सेटा। क्वेश्चन नंबर 11, वैगल डांस इज अ वे ऑफ। ऑप्शन ए नेस्ट बिल्डिंग, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन इन बीज, ऑप्शन सी एग लेइंग एंड ऑप्शन डी स्वार्मिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी कम्युनिकेशन इन बीज। क्वेश्चन नंबर 12, मुगुआ सिल्क वॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाई। ऑप्शन ए बॉम्बे मैक्स मोराई, ऑप्शन बी एंथ्रिया पोपिया, ऑप्शन सी एंथ्रिया एसामा, ऑप्शन डी अटैकस रिस्नी। जो करेक्ट ऑप्शन इज सी एंथ्रिया एसामा। क्वेश्चन नंबर 13, पेब्राइन डिजीज इज रिलेटेड विद। ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी फाउल्स, ऑप्शन सी सिल्क मॉथ, ऑप्शन डी लैक इंसेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी सिल्क मॉथ। क्वेश्चन नंबर 14, द इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ फाउल इज। ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी पॉलीमाउथ, ऑप्शन सी असील एंड ऑप्शन डी लैंगसेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज असील।
Question number 15. Disease of fowl caused by virus is known as option A, spirochitosis, option B, Ranicki disease, option C, Gram disease, option D, apoplexy. The correct option is option B, Ranicki disease. Question number 16. Which of the following is exotic fishes? Option A, mirror carp, option B, rohu, option C, canna, option D, singi. So the correct option is option A, mirror carp. Question number 17. Hypophagization in fishes is option A, natural breeding, option B, spawning, option C, induced breeding, option D, exotic fishes. So correct option is induced breeding. Question number 18. In pearl formation, mother of the pearl is option A, mantle, option B, peristrachum, option C, nacreous layer, option D, peristomatic layer. So the correct option is C, nacreous layer. Question number 19. Female mosquito feeds on option A, cell sap, option B, water, option C, blood, option D, flower nectar. So correct option is option C, blood. Question number 20. Bandicoota bengalensis is A, option A, parasite, option B, pest, option C, nematode, and option D, field rat. So the correct option is option D, field rat. Question number 21. Disease caused by mosquito is option A, malaria, option B, filaria, option C, dengue fever, option D, all of them. So the correct option is option D, all of them. Question number 22. Eggs of anopheles are option A, boat shape, option B, cigar shape, option C, club shape, option D, comma shape. So the correct option is option A, boat shape. Question number 23. Antidotes are option A, rodenticide, option B, fumigant, option C, medicine to counteract poison, and option D, pesticide. So the correct option is option C, medicine to counteract poison. Question number 24. A polymorphic insect is option A, cockroach, option B, silk moth, option C, louse, and option C, termite. So the correct option is D, termites. Question number 25. Sugarcane pests secrete honeydew which attracts option A, birds, option B, fungi, and option C, insects, option D, bacteria. So the correct option is option C, insect. Question number 26. The scientific name of gundi bug is option A, Pyrrhella perpetua, option B, Stegophilus oryzea, option C, Leptocorrhiza vulgaris, and option D, Anopheles. So the correct option is Leptocorrhiza vulgaris, इसे हम गुंधी बग कहते हैं, और जो option D A दिया हुआ है Pyrrhella perpetua, इस sugar cane leaf hopper का होता है. Question number 27. The disease caused by nematode parasite, option A, viruses, option B, amoebosis, option C, malaria, option D, giardiasis. So the correct option is option A, viruses. Question number 28. Viruses is transmitted through option A, CC fly, option B, Culex mosquito bite, option C, Anopheles mosquito bite, or option D, house fly. So the correct option is B, Culex mosquito bite. Question number 29. Giardia belongs to the phylum. Option A, Annelida, option B, Arthropoda, option C, bacteria, and option D, protozoa. So correct option is D, protozoa. Question number 30. Is Wuchereria venicrofti lives in option A, liver, option B, lymph node, and option C, blood, option D, intestine. So the correct option is lymph nodes. Question number 31. Entamoeba histolytica is a option A, blood parasite, option B, malaria parasite, option C, intestinal parasite of man, and option D, a free living organism. So the correct option is option C, intestinal parasite of man. Question number 32. Giardiasis is spread through option A, sweat, option B, mosquito bite, option C, contaminated food and water, option D, by touch. So the correct option is option C, contaminated food and water. Question number 33. Amoebic dysentery is caused by option A, end amoeba, option B, Giardia, option C, Wuchereria, and option D, Plasmodium. So correct option is option A, end amoeba histolytica. सो ये थे हमारे 32-33 क्वेश्चन जो कि पेपर 1 से पूछे गए थे. इसमें से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट. एंड नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी सेक्शन भी आपके साथ शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून. थैंक यू सो मच.